हाय गाइस, मैं वाजी कंबोज। स्टूडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बारे में। अगर आप फार्मास्यूटिकल से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो बेसिकली चार तरह के बिजनेसेस की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की, फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग कंपनी की, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की और फार्मास्यूटिकल रिटेल बिजनेस की। किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी पर्सन के लिए, तो वो रहती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। बेसिकली अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से नहीं हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए रहेगी वो ये रहती है कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक्सपीरियंस है या नहीं है। और दूसरी चीज़ होती है जो मेन क्वेश्चन आता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट का आता है। हमेशा ही जितने भी वीडियो हम बिजनेस से जुड़े बनाते हैं उनमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, किसी भी पर्सन को फेस आती है, वो इन्वेस्टमेंट की आती है। तो इन्वेस्टमेंट की जनरली क्या होती है, कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पहले बिजनेस डिस्कस करने से पहले थोड़े बेसिक पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की अगर बात करते हैं, मैनुफैक्चरिंग की करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की करते हैं, रिटेल की करते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में क्या है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आते हो तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं होती। यहाँ पे सारे तरह के पर्सन आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बिजनेस को अलग अलग वे में शुरू किया है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में भी लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया है, उन्होंने 10-20 हज़ार से शुरू किया, 50 हज़ार से शुरू किया है। और मैनुफैक्चरिंग कंपनीज में भी बहुत पर्सन ने पहले थर्ड पार्टी में किसी मैनुफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू बनवाते थे तो उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है, बाद में खुद का प्लांट सेटअप किया है तो ग्रेजुअली उन्होंने अपने बिजनेस को इंक्रीज किया है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ही पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट मैनुफैक्चरिंग कंपनी से लिए, वहाँ पे कुछ कमीशन पे काम किया तो उसके बाद अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेटअप कर लिया। रिटेल में भी कुछ पर्सनों ने ऐसे ही किया है कि पहले किसी रिटेल के पास थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद लाइसेंस वगैरह ले लिया, उनको नॉलेज होगी। तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा मैटर नहीं होता अगर आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अच्छा बिजनेस का आइडिया है आपके पास, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है फार्मास्यूटिकल बिजनेस में। मैंने अपने जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत जमीन से लोगों को उठते हुए देखा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में किया है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपके माइंड में रहता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप बहुत ईजिली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो अगर आपके पास फंड भी नहीं है। लेकिन बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी वही रहेगी, आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आना चाहते हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी आना चाहते हैं, या आपको खुद एक्सपीरियंस हो या आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस हो, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो जिसको इस सेक्टर में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उसी के बाद आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आइए। क्योंकि ये बेसिकली पेशेंट कंसल्टेटेड नहीं होता, जो आपका एक्चुअल कंज्यूमर होता है वो पेशेंट होता है, लेकिन पेशेंट की मर्जी के हिसाब से आप मेडिसिन नहीं बेच सकते, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचेंगे। क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिखेगा उसी हिसाब से पेशेंट उसको वहाँ से अपना रिटेल काउंटर से परचेज करेगा। तो बेसिकली डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा मीडियम होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की जो सेल आती है उसका मोस्ट पार्ट जो आता है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ही जनरेट होता है। तो किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बेसिक समझने की बड़ी जरूरत हो जाती है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी करने के लिए आपको क्या लाइसेंस चाहिएंगे और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हो। थोड़ा सा ब्रीफली ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। उसी तरह हम मैनुफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में जानेंगे, रिटेल बिजनेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की। अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जो मेन एक्सपीरियंस है आपको वो फार्मास्यूटिकल सेल्स या मार्केटिंग का होना जरूरी है। अगर आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं जिसको सेल्स या मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, आप सेल्स टीम रख सकते हो एफर्ट करते हैं। तो अगर आप स्मॉल लेवल पे करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब सेल्स पर्सन के एक्सपेंसेस भी नहीं बियर कर सकते और आप मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, सेल्स भी करना चाहते हैं, मार्केटिंग कंपनी भी शुरू करना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वे से मार्केटिंग कंपनी शुरू होती है। जो मार्केटिंग कंपनी के डिफरेंट वे होते हैं उसके वो मार्केटिंग टाइप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जानेंगे कि किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में। पहले लाइसेंसिंग के बारे में जान लेते हैं कि लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट क्या रहती है। जो सबसे मेन रहती है, या तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या अपनी जो फॉर्म को आप शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ एरियाज में क्या है, इंडिया के कुछ एरियाज में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इतना ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वहाँ पे आप उसको भी स्किप कर सकते हो। वो आपकी लॉयल्टी पर डिपेंड करेगा कि जहाँ पे वहाँ पे आपको कंपल्सरी है शॉप एक्ट के अंदर
रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं कराना। जो मेन कंपलसरी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में, वो होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है। क्योंकि जब भी आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस होना जरूरी हो जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा। तो होलसेल ड्रग लाइसेंस मार्केटिंग कंपनी के लिए काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी में भी आप किसी और मैनुफैक्चर से बनवा रहे हो, वो उसकी मार्केटिंग करके उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं एक तरह से। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो GST नंबर है, क्योंकि आप एक कंपनी के वे में उसको चला रहे हो। वैसे तो टर्नओवर डिपेंडेंट होता है और इंटरस्टेट डिपेंडेंट और ऑनलाइन सेल के लिए कंपलसरी होता है GST नंबर, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पर उसको कर रहे हैं तो GST नंबर लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि या तो आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे होंगे वहाँ पर, और इसके अलावा अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो भी GST नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा आता है FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ फूड सप्लीमेंट का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। जो ट्रेडमार्क होता है वो मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है, आपके ब्रांड नेम को, आपकी कंपनी नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वो कंपलसरी नहीं होता, वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग लेवल पे आप कंपनी के नाम को ही ट्रेडमार्क करा सकते हैं ताकि कोई और उसको यूज ना करे, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज ना करे। लेकिन हो सके तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अपने ब्रांड नेम्स को भी रजिस्टर्ड करा सकते हो ट्रेडमार्क के अंदर, ताकि कोई आपका मिसयूज आप उसको बचा सको। बात करते हैं कि आप किस किस वे से मार्केटिंग कंपनी कर सकते हो, किस किस वे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सबसे पहले आता है आप एथिकल वे में कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा आप जेनरिक बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। तीसरा आप फार्मा फ्रेंचाइजी के थ्रू फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे आप OTC प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, OTC मार्केटिंग कर सकते हो। और फिफ्थ नंबर पे आता है कि आप हॉस्पिटल सप्लाई कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को या दूसरे हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो। इस वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो मार्केटिंग करने में। अब बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। अगर हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा हाईली इन्वेस्टेड काम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक प्लांट सेटअप की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। शेड्यूल एम में जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके हिसाब से आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको WHO GMP सर्टिफिकेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। काफ़ी हाईली इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए जो आपको बेसिकली लाइसेंसेज की जरूरत पड़ेगी वो आपको एक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको स्टेट ट्रक अथॉरिटी से मिलेगा। उसके अलावा आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं साथ में, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको आप आगे सेल आउट करोगे, तो आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, आपको GST नंबर की जरूरत पड़ेगी। FSSAI की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल प्लांट में फूड सप्लीमेंट का कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर आप फूड सप्लीमेंट भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम वही ट्रेडमार्क वाली और कंपनी रजिस्ट्रेशन वाली रिक्वायरमेंट मार्केटिंग कंपनी से मिलती जुलती हो जाती है, वही यहाँ पे भी आपके लिए अप्लीकेबल होगा। आप कैसे सेल आउट कर सकते हो, किस किस वे से आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा एक तो वही वे हो जाएंगे जो हमने मार्केटिंग कंपनी में डिस्कस किए हैं। उसके अलावा आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो मार्केटिंग कंपनी के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप लोन लाइसेंसिंग में जा सकते हो। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि कोई भी मार्केटिंग कंपनी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए देती है, जो भी आपके पास स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपके पास अवेलेबल है रॉ मटेरियल, जिस तरह का आपका डिजाइन डाई पंचेज वगैरह है, उसी हिसाब से आप उसको बना के दे देते हैं मिनिमम क्वांटिटी पे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग कंपनी अपनी स्पेसिफिकेशन देती है, अगर आप उसको अरेंज नहीं कर सकते तो वो खुद अरेंज करा के देती है, वो एक पर्टिकुलरली आपको उनके हिसाब से असेंबल्ड करना होता है प्रोडक्ट को। लोन लाइसेंसिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटिंग कंपनी दोनों डिफरेंट होती है। लोन लाइसेंसिंग में क्या होता है, लोन लाइसेंसिंग में बेसिकली जो मार्केटिंग कंपनी होती है वो एक तरह से प्लांट को हायर करती है, बेसिकली वो एक आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अलग हो जाता है। उसके लोन लाइसेंस के लिए कोई मार्केटिंग कंपनी आपके पास आती है तो आपको लोन लाइसेंस के लिए ड्रग ऑफिस में दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर जो मार्केटिंग कंपनी है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के प्लांट के अंदर ही वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो जो मार्केटिंग कंपनी है वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट पे लिख सकती है। तो अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की। तो फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, यहाँ पे हम आ जाते हैं सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है,
वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के और रिटेलर्स के बीच की कड़ी होती है। आजकल C&F का कल्चर थोड़ा कम हो गया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। कंपनी ज़्यादातर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर ही अपॉइंट करने की कोशिश करती है ताकि उनकी कॉस्ट भी कम आ जाए और बेसिकली अब ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर को ही प्रेफर करती है। हो सर ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरे स्टेट के लिए एक C&F रख लेती है। इससे ज़्यादा आजकल थोड़ा सा कल्चर कम हो गया है C&F का, केवल डायरेक्टली वो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर पर ही कंसनट्रेट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सेम वही रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, आपको होलसेलर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, आपको GST नंबर की जरूरत पड़ती है। GST नंबर की वही रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर आपका 40 लाख से अबाउट टर्न ओवर है, आप इंटरस्टेट सेल करते हो या ऑनलाइन सेल करते हो, तो वो कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो वो वॉलंटरी रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी GST नंबर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट आपको तभी मिलेगा, क्योंकि आप परचेज करोगे मैन्युफैक्चरर से या कंपनी से आप परचेज करते हो और उसको आगे रिटेलर को बिल करते हो, तो जो टैक्स का जो आपको रिटेलर पे जो आपने बिल दिया है उसका जो टैक्स एडवांटेज है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास GST नंबर होगा। आप कैसे सेल कर सकते हो, वही सेम में होता है, आप रिटेलर्स को ही बेसिकली सप्लाई करोगे। उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो, आप डॉक्टर्स को सप्लाई कर सकते हो, आप रिसर्च सेंटर्स को सप्लाई कर सकते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये कई में होते हैं जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटर अपने आपको अपना वर्क कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। अब बात करते हैं रिटेल बिजनेस की, फार्मास्यूटिकल रिटेल बिजनेस। एक्चुअली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है रिटेल बिजनेस में वो लोकेशन होती है। जो हमने जितने भी तीनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है, मार्केटिंग कंपनी डिस्कस की है, मैनुफैक्चरिंग कंपनी डिस्कस की है या डिस्ट्रीब्यूशन की है, तीनों में लोकेशन मैटर नहीं करती। फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग कंपनी में लोकेशन इसलिए मैटर करती है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में ही बेसिकली लाइसेंस मिलता है, बाहर ड्रग डिपार्टमेंट मोस्टली लाइसेंस नहीं देता, इसलिए उसमें थोड़ी सी लोकेशन मैटर करती है। लेकिन लोकेशन की जगह उसमें थोड़ा स्पेस मैटर करता है कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपकी जगह होनी चाहिए। लेकिन जब रिटेल बिजनेस की बात आती है तो वहाँ पर लोकेशन बहुत मैटर करती है, या तो पॉपुलेस एरिया हो, वहाँ पे डॉक्टर्स कितने हैं नियर बाई में, हॉस्पिटल्स कितने हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट क्या है, हॉस्पिटल्स बड़े हैं या छोटे हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन बाहर आती है नहीं आती, आपका काउंटर हॉस्पिटल्स के अंदर है या नहीं है, प्राइम लोकेशन कैसी है, वहाँ पे क्राउडेड प्लेस क्या है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बिकते हैं या नहीं बिकते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है जब आप रिटेल बिजनेस में आते हैं। तो लोकेशन सबसे मेन फैक्टर होता है जब भी हम रिटेल की बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, किसी भी वे में। किसका रिटेल बिजनेस कितना अच्छा वर्क करेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका एरिया जो आपकी लोकेशन है आपके रिटेल बिजनेस की वो कितनी अच्छी है, कितनी एक्यूरेट है। अगर लाइसेंसेज की बात करते हैं रिटेल बिजनेस पे, तो आपको बेसिकली रिटेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, उसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन की उसी तरह जरूरत होती है। कुछ एरिया में जहाँ पे कंपलसरी आपको लेना पड़ सकता है, जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं। जीएसटी नंबर की बात करते हैं तो वही कंडीशन आती है, या तो आपका टर्न ओवर 40 लाख से अब हो, अगर आप ऑनलाइन फार्मेसी सेल में हैं या ऑनलाइन सेल भी करना चाहते हैं, इंटरस्टेट सेल भी करना चाहते हैं, तो आपको GST नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोस्टली जो रिटेल पे आता है तो वहाँ पे GST नंबर भी बहुत कम लेके रखते हैं, उनको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह आप इन चार बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।